खबर यूपी से भदोही की। दूध कालीन उद्योग पर संकट, कारोबारियों की टूटी कमर। तालाबंदी के बाद कुछ इस तरह मौज मस्ती के बीच समय बिता रहे वरिष्ठ कालीन निर्यातक यादवेंद्र राय काका, भदोही। कोरोना वायरस का जबरदस्त असर कालीन उद्योग और कारोबारियों पर दिखाई देने लगा है। लॉकडाउन 3 में सरकार के गाइडलाइन और कुछ शर्तों के आधार पर कंपनियां तो खुल गई, लेकिन वहां पर कामकाज का अभाव है। लोगों के पास ऑर्डर नहीं है कि वह नया कालीन की तैयारी करा सके। अगर ऑर्डर भी होता है तो भी उन्हें तैयार कराने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद यहां पर रहकर कालीन की बुनाई करने वाले गैर प्रांतों के बुनकर पलायन कर गए। जो बचे हुए हैं वह अब घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। तालाबंदी के बाद कालीन निर्यातकों के पास काम न होने के कारण उनको समय काटने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वरिष्ठ कालीन निर्यातक यादवेंद्र राय काका अपना समय मौज मस्ती में ही काट रहे हैं। उनका समय इस तालाबंदी में काफ़ी अच्छा बीत रहा है। आइए देखते हैं वह अपना समय कैसे और किस तरह से बिता रहे हैं। भदोही से कमलेश सिंह के साथ ओबेदुल्ला असरी की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार। आने वाले समय में निर्यात इतना मुश्किल हो जाएगा, जिसके पास ऑर्डर है वो ऑर्डर नहीं पूरा कर पाएंगे। सारे बुनकर मजदूर सब घर जा रहे हैं, कोई आना नहीं चाहता। एक तो लॉकडाउन के नाते सब इतनी प्रॉब्लम हो गई है। कितने लोग घर जाते समय उनको इतनी अधिक लोग मार दिए हैं, चाहे प्रशासन के हो चाहे जो भी है। अब वो लोग तौबा कर रहे हैं कालीन की बुनाई करने से लिए, और बुनाई का चीज़ का इतनी अधिक प्रॉब्लम हो गई है कि हम तो ये कहेंगे कि अगर बाहर लोग ऑर्डर लें तो ऑर्डर मत लें, कभी भी ये पूरा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या बताऊं। आने वाले की इतनी भारी चुनौतीपूर्ण होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया सब लोग सेफ रहो, घर के अंदर रहो, और कोरोना से इसका ही बचाव है और कुछ नहीं बचा है। बहुत लालच मत पड़िए। 2020 तक जो सही सलामत बचे रहेंगे वही जा करके 2021 में पैसा कमाएंगे, और बुनकर सारे अपने